हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का आपके ब्यूटीफुल से चैनल बायोवाला में। आज से हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 कंबसन एंड फ्लेम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंबसन क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में फ्लेम क्या होता है, और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ मैचस्टिक। जो ये माचिस देख रहे हो आप, इसका क्या क्या कंटेंट है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये जो आपको ब्राउन कलर का चीज दिख रहा है ये क्या है एक्चुअल में, ये जो आपको दिख रहा है रेड कलर वाला पार्ट ये क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये टॉपिक सबसे अच्छा है, कंटेंट्स ऑफ मैचस्टिक। जो लोग देखना चाहते हैं कंटेंट ऑफ मैचस्टिक तो वो वीडियो के अंत में जाए और 5 मिनट देख ले, ठीक है, इसको छोड़कर आप जा सकते हैं अगर आपको ये सब आता है तो, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। फिर से एक बार पढ़िए, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। आपकी किस्मत यहाँ पर लिखी है और मेहनत यहाँ पर, मेहनत पहले आपको करना है फिर आपको किस्मत के ऊपर डिपेंड होना है, ठीक है। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरे साथ आप लोग हेडिंग लगाएंगे कंबसन एंड फ्लेम। चलिए हेडिंग लगाइए कंबसन एंड फ्लेम। जो लोग देखना चाहते हैं कंटेंट्स ऑफ मैचस्टिक वो स्किप करके वीडियो के अंत में जाइए, 5 मिनट देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाइए कंबसन एंड फ्लेम, कंबसन एंड फ्लेम, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंबसन क्या होता है। कंबसन, कंबसन एक केमिकल प्रोसेस होता है। कंबसन क्या होता है, इट इज ए केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है पता है आपको, क्या होता है ऐसा चेंज जिसमें नो न्यू सबस्टांस आर फॉर्म, क्या सही है बताइए, स्टेटमेंट सही है या रॉन्ग है। रॉन्ग है, केमिकल चेंज में नया सबस्टांस बन जाता है और फिजिकल चेंज में नया सबस्टांस नहीं बनता है, ठीक है। थोड़ा सा बता दूं क्या, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये सब आपको क्लास 7th में पढ़ना था, ठीक है। चलिए फिर से बता देता हूँ, फिजिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जिसमें नया सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो न्यू सबस्टांसेस आर फॉर्म्ड, ठीक है। जैसे पानी है, पानी को हम लोग फ्रीज करेंगे बर्फ बन जाएगा, बर्फ को फिर से हम लोग कूल करेंगे वाटर बन जाएगा, तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है।
एग्जाम्पल क्या है इसका? कन्वर्जन ऑफ वाटर इंटू आइस, आइस भी मेल्ट होकर वाटर बन जाता है, ठीक है। केमिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड। इसका एग्जाम्पल क्या है केमिकल चेंज का? जैसे सिंपल आप एक पेपर को बर्न कर दीजिए तो नया सबस्टांस बन जाएगा। जैसे पहले कागज था उसको हम लोग बर्न करा दिए, देन क्या बन जाएगा? राख बन जाएगा, ठीक है। तो नो न्यू सबस्टांस आर फॉर्म हो गया फिजिकल चेंज में, और केमिकल चेंज में क्या हुआ? न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड। इसका एग्जाम्पल क्या है? बर्निंग ऑफ पेपर। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, अगर आपको नहीं आता है तो जाकर देख लीजिएगा उसका एक लेक्चर, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंबसन क्या होता है। कंबसन कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है इन विच, समझ में आ रहा है, अ सब्सटेंस रिएक्ट्स टू फॉर्म हीट एंड एनर्जी, ठीक है। कंबसन क्या होता है? कंबसन एक केमिकल प्रोसेस होता है इन विच ए सबस्टांस रिएक्ट टू फॉर्म हीट एंड एनर्जी। सबस्टांस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हीट और एनर्जी रिलीज करता है। इट इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टांस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, लिखना तो लिख लीजिए, रिएक्ट क्या चीज से करता है? विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म हीट एंड एनर्जी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इसका एग्जाम्पल एक देखिए, किसका एग्जाम्पल? कंबसन का। इसको एक बॉक्स बनाकर लिख लीजिए, इसको बॉक्स में पैक कर दीजिए ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। हो गया, बॉक्स में पैक हो गया। चलिए हम लोग कोल लेते हैं, कोल, कोयला। कोयला क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोल है, कोल को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देते हैं। ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला होता है? O2। इसके प्रेजेंस में हम लोग कोल को जला दिए, देन CO2 गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस। और क्या चीज़ निकलेगा? गर्मी निकलेगा, हीट निकलेगा, हीट निकलेगा। और क्या निकलेगा? लाइट भी निकलेगा। तो यही है कंबसन। अब पढ़िए, इट इज ए केमिकल प्रोसेस। जैसे आपने कोल को हीट किया, गर्म किया, मतलब कोयल को आपने हीट किया, कोयला को आपने हीट किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, देन वो CO2 हीट और लाइट रिलीज किया। तो ये कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है। जो कोयला आप जला दिए तो वो कोयला क्या चीज़ बन जाएगा? राख बन जाएगा। तो फिर ऐसा नहीं होगा कि राख से कोयला बन जाए। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में। ये क्या है? O2 के क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीजन बोलते हैं O2 को। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब तक तो ये सब सबको समझ आता होगा, ये सब CO2 क्या होता है, O2 क्या होता है। और कोल के जगह हम लोग दूसरा भी कोई सब्सटेंस ले सकते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, कोल या कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस, कोई भी कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस हो। कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस क्या होता है? जैसे आप ह्यूमन बींग को भी जलाएंगे फिर भी क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा, हीट निकलेगा, लाइट भी निकलेगा, और भी बहुत सारा चीज़ निकलता है, बट मेनली ये निकलेगा। आप ह्यूमन बींग को जलाइए, प्लांट को जलाइए, तो सबको जलाएंगे तो क्या निकलेगा? CO2 हीट और लाइट। क्यों निकलेगा?
क्योंकि वो कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस है। ह्यूमन बॉडी भी पूरा कार्बन से बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, ठीक है। इसको नोट कीजिए, कर लिए। चलिए एक और हम लोग कंबसन का डेफिनेशन लिखते हैं, एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए कंबसन, कंबसन क्या होता है? बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। सिंपल सा डेफिनेशन, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन सबको हटाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन, व्हाई सन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। देखिए क्वेश्चन, व्हाई सन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। सन हीट और लाइट क्यों प्रोड्यूस करता है बताइए, सन हीट और लाइट क्यों प्रोड्यूस करता है? बहुत सिंपल है इसका आंसर। सन के अंदर में कोल प्रेजेंट होता है, कोयला, ठीक है। सन के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है? कोयला। और हम लोग उसमें जाकर माचिस मारते हैं सन के अंदर में घुसकर, और सन से हीट भी निकलता है और लाइट भी निकलता है। यही तो मैं आपको कंबसन के एग्जाम्पल में बताया था, जब हीट और लाइट निकले तब उसको हम कंबसन बोलते हैं। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अबे बेवकूफ, ये आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा कि सन के अंदर में केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है। सन के अंदर में क्या चल रहा होता है? केमिकल रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? इसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है, वो होता है इसका एक्चुअल आंसर, ना कि इसके अंदर में कंबसन हो रहा है। ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन इनसाइड द सन। इसका आंसर क्या होगा? ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन इनसाइड द सन, इनसाइड द सन। सन के अंदर में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन होता है जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं। क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्शन? हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, देन रिलीज हीट एंड लाइट, देन रिलीज हीट एंड लाइट। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं बता दूं और आप उसको सुन ले, ठीक है। अब आ गया समझ में, सन क्यों हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है? क्योंकि सन के अंदर में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है। सन के अंदर में रिएक्शन हो रहा होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब समझिए सिंपली कि सन के अंदर में रिएक्शन हो रहा होता है, इनसाइड दी सन। कैसा रिएक्शन हो रहा होता है? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है, देन रिलीज हीट एंड लाइट, ठीक है। इसको नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी रिएक्शन जिसमें हम लोग जिससे हीट और लाइट निकले वो कंबसन है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। चलिए
अब आपको हेडिंग लगाना है कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। इसको पहले नोट कीजिए, चलिए हाँ, तो अब हेडिंग लगाइए कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल मैटेरियल्स। कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल मैटेरियल्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंबस्टिबल मटेरियल्स क्या होता है। कंबस्टिबल मटेरियल्स क्या होता है? ऐसा मटेरियल्स जो बर्न कर जाता है उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल मटेरियल्स, और ऐसा मटेरियल्स जो बर्न नहीं करता है उसको हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स। तो कंबस्टिबल मटेरियल्स क्या होता है? द मटेरियल्स विच अंडरगो कंबसन। अच्छे से लिखिए, द मटेरियल्स विच अंडरगो कंबसन। ऐसा मटेरियल्स जिसका कंबसन हो जाता है उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल मटेरियल्स, या सिंपली आप इसे क्या बोलोगे, या बर्न, या जो जल जाता है उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबल मटेरियल्स। इज कॉल्ड, पूरा लिख दूं, इज कॉल्ड कंबस्टिबल मटेरियल्स, कंबस्टिबल मटेरियल्स। इसका एग्जांपल क्या है बताइए, कौन कौन सब चीज जल जाता है, फटाफट बोलिए। ओड, ऐसा नहीं कि मैं फटाफट बोलने के लिए बोला तो आप पीछे से फटाफट चिल्ला रहे हो, एग्जाम्पल बताना है तेजी में। ओड, पापड़, पेपर, पापड़ नहीं पढ़ना है, ठीक है, केरोसिन, डीजल, 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 ठीक है, उसके बाद पेट्रोल, पेट्रोल इत्यादि। अब हम लोग बात करते हैं नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स क्या होता है। नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स, तो इसका तो आंसर आपको पता होगा, ऐसा मटेरियल्स जो कि कंबसन नहीं करता है। द मटेरियल्स विच डू नॉट बर्न इजली, ऐसा कह सकते हैं, बर्न कर सकता है। द मटेरियल्स विच डू नॉट बर्न इजली, ऐसा मटेरियल्स जो आसानी से नहीं जलता है उसको हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स। लिख लीजिए आगे, इज कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स, नहीं तो आप बोलोगे कि छोड़कर भाग गए, नॉन कंबस्टिबल मटेरियल्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, कौन कौन चीज जल्दी बर्न नहीं करता बताइए, इसका एग्जांपल मेटल्स, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, ये सब क्या होगा, जल्दी मेल्ट नहीं करता है, जल्दी बर्न नहीं होता है। जैसे मेटल्स होता है सेरामिक्स, जो बर्तन होता है चीनी मिट्टी वाला वो सब, ठीक है, फिर ग्लास, शीशा, शीशा वो भी जल्दी से बर्न नहीं करता है, हालांकि ग्लास
बर्न कर जाता है जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तब। ऐसा आप देख भी सकते हो, जब कचरा जलते रहेगा तो उसमें ग्लास फेंक देना, शीशा जल जाएगा, जब बहुत तेज हीट रहेगा तब जल जाता है। लेकिन वहाँ पर कंडीशन लगा हुआ है, द मटेरियल्स विच डू नॉट बर्न ईजिली, ये आसानी से नहीं जलता है, इसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है जलने में, ठीक है। बट लकड़ी, पेपर, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, प्लास्टिक भी बन जल जाता है, प्लास्टिक भी बहुत टाइप के होते हैं, तो इसको नोट कीजिए पहले, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। कर लिए इतना नोट डाउन? कुछ क्वेश्चन दूं जिसका जवाब आप देना? चलिए, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा मटेरियल्स कंबस्टिबल है और कौन सा मटेरियल्स नॉन कंबस्टिबल है। तो ये तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे, मटेरियल्स कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल। चलिए चलिए, हाँ, तो पहला है स्ट्रॉ, ये क्या होता है, स्ट्रॉ क्या होता है, पुआल, मैचस्टिक, गोल्ड, आयरन, पॉलीथीन, बताइए फटाक से बनाइए एक मिनट के अंदर में, जल्दी जल्दी बोलिए, स्ट्रॉ कैसा है, कंबस्टिबल या नॉन कंबस्टिबल? तुरंत जल जाएगा स्ट्रॉ। मैचस्टिक कैसा है, कंबस्टिबल? आयरन कैसा है, नॉन कंबस्टिबल, ये नहीं जलेगा जल्दी। गोल्ड भी नहीं जलेगा, पहले गोल्ड था तब आयरन है। पॉलीथीन जल जाएगा, ठीक है, इसको सही कीजिए इसमें, ठीक है, हो गया इतना, नोट कीजिए अब, इस सब में काट दीजिए जो जो बचा उस सब में, ठीक है। आया समझ में, आया या नहीं? स्ट्रॉ कैसा है, कंबस्टिबल है, मैचस्टिक कैसा है, कंबस्टिबल है, जल जाएगा इजली, गोल्ड कैसा है, नॉन कंबस्टिबल है, आयरन कैसा है, नॉन कंबस्टिबल है, पॉलीथीन कैसा है, कंबस्टिबल है, हो गया क्लियर। चलिए अब हेडिंग लगाइए, कंडीशंस फॉर कंबसन, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं आज, चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ, कंडीशंस फॉर कंबसन, कंबसन के लिए क्या क्या कंडीशन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली जो जरूरत पड़ती है वो है कंबस्टिबल सब्सटेंस का जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले जरूरत पड़ता है कंबस्टिबल सब्सटेंस का, कंबस्टिबल मटेरियल्स का जरूरत पड़ेगा, मतलब ऐसा मटेरियल्स जिसमें आग लग जाए इजिली, फायर इजिली कैच कर ले, जैसे फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ये सब, ठीक है। सबसे पहला ये कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन जो है वो है ऑक्सीजन, जो कि सपोर्ट करता है कंबसन को। सेकेंड क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबसन, जो कि कंबसन होने में सपोर्ट करता है, वो है ऑक्सीजन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि कैसे हम मान ले कि
कि ऑक्सीजन कंबसन में सपोर्ट करता है। कैसे मान ले? तो इसका एक छोटा सा जवाब है। क्या जवाब है? एक आप कैंडल ले लीजिए, मोमबत्ती। कैसा है मोमबत्ती बताइए, जला दीजिए, ठीक है? दिख रहा है कैंडल? अच्छा नहीं लग रहा है। एक मोमबत्ती लीजिए और इसको जला दीजिए, ठीक है? उसके बाद इसके ऊपर एक ग्लास लाकर ढक दीजिए। ये जो कैंडल है, इसके ऊपर एक ग्लास से इस कैंडल को ढक दीजिए। जलता हुआ कैंडल है, ठीक है? और इसके ऊपर एक ग्लास लाकर इसको ढक दीजिए, उल्टा करके ग्लास, इन्वर्टेड ग्लास, ठीक है? ग्लास से इसको ढक दिए। जैसे इसको ग्लास से आप ढकिएगा, ये जो इसका फ्लेम है वो गायब हो जाएगा। ये जो फ्लेम है वो गायब हो जाएगा, ये फ्लेम गायब हो जाएगा और कैंडल बुझ जाएगा। ग्लास कैसा लेना है? ट्रांसपेरेंट लेना है, जिससे पता लगे आसानी से। ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, ठीक है? और कैंडल बुझ गया। अब बताइए ये क्यों बुझ गया कैंडल, बताइए? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट था। इसके अगल बगल में, अगल बगल में क्या है? अगल बगल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब आप इस ग्लास से इस कैंडल के ढकोगे, देन कुछ सेकेंड तक ये जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि इस ग्लास के अंदर में कुछ ऑक्सीजन कैद होगा और वो ऑक्सीजन खत्म होगा जैसे जलकर, उसके बाद ये कैंडल बुझ जाएगा। यहाँ का कैंडल क्यों बुझ गया? क्योंकि ऑक्सीजन एब्सेंट है। आ गया समझ में? इसको नोट कर लीजिए। क्या क्या कंडीशन है कंबसन के लिए? फ्यूल का जरूरत पड़ना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, और एक होना चाहिए जो कि कंबसन को सपोर्ट करे, वो क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन एब्सेंट है। और ट्रांसपेरेंट ग्लास से हम लोग ढकेंगे ताकि दिख जाए, क्लियर दिखेगा आपको उसके बाद। चलिए इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं इग्निशन या किंडलिंग टेम्परेचर के बारे में, ठीक है? रब कर दूं? चलिए, चलिए हेडिंग लगाइए इग्निशन या किंडलिंग टेम्परेचर। इग्निशन या किंडलिंग टेम्परेचर, किंडलिंग नहीं पढ़िएगा, वो गलत है पढ़ना, ठीक है? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश, ठीक है? इग्निशन और किंडलिंग टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कंबस्टिबल सब्सटेंस फायर कैच कर ले। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कंबस्टिबल सब्सटेंस फायर कैच कर ले, उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर। इट इज द टेम्परेचर एट विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन कैच फायर। इट इज द टेम्परेचर एट विच कंबस्टिबल सब्सटेंस
कैचेज फायर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कंबस्टिबल सब्सटेंस जलने लगता है उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, स्पेलिंग इसका गलत है, कैचेज फायर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है, इसको जब आप गर्म करने गए तो इसको गर्म करने के लिए मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस का आपको हीट देना पड़ा, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर कितना हुआ 200 डिग्री सेल्सियस। 200 डिग्री सेल्सियस पर समझिए ये बर्न करने लगेगा, मीन्स मेल्ट होने लगेगा, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर 200। अगर 100 रहेगा तो 100, 150 तो 150, जितना पर ये बर्न करने लगे, जलने लगे, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, जो लो इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल होते हैं वो डेंजरस होते हैं। चलिए लिखिए, लो इग्निशन टेम्परेचर वाले जो फ्यूल होते हैं, लो इग्निशन टेम्परेचर वाले जो फ्यूल्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं। बताइए लो इग्निशन टेम्परेचर किसका किसका होता है? पेट्रोल का। पेट्रोल का बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब पेट्रोल बहुत कम टेम्परेचर पर फायर पकड़ लेता है, पेट्रोल बहुत कम टेम्परेचर पर फायर पकड़ लेता है। ठीक है, सो पेट्रोल को अगर आप एक बॉटल में पैक करके ले जाओ और उस पर माचिस मारोगे पूरा ब्लास्ट कर जाएगा, एक्सप्लोसिव ही नेचर होता है पेट्रोल। ठीक है, इसी कारण से जो स्टोव होता है उसमें पेट्रोल का यूज नहीं किया जाता, केरोसिन ऑयल का यूज किया जाता है। स्टोव क्या होता है, जो ऐसे ऐसे एक पिस्टन से हवा कसा जाता था उसके बाद वो जलता था, पहले के टाइम में हुआ करता था, पूछिएगा आप पापा मम्मी से तो ज़रूर बताएंगे, अब तो नहीं होता है, अब घर घर गैस पहुँच रहा है तो स्टोव सबका मार्केट ख़त्म है। ठीक है, पहले हुआ करता था, जैसे अभी गैस से खाना बन रहा है वैसे पहले स्टोव से बनता था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लो इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल डेंजरस होता है, जैसे देखिए पेट्रोल कैन फायर वेरी इजीली, फायर वेरी इजीली, पेट्रोल में बड़ा आसानी से आग लग जाता है, बहुत आसानी से। ठीक है, जब इसके बगल में आप एक लाइट मैचस्टिक ले जाओगे, आप एक माचिस का तीली जलाकर बस पेट्रोल के पास ले जाओगे, उसी में उतना ही देर में इसमें आग पकड़ लेगा, ये बर्न करने लगेगा, जलने लगेगा, और इसका नेचर कैसा होता है, बॉम्ब टाइप का नेचर होता है, आवाज़ भी कर जाएगा, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। ठीक है, सो पेट्रोल इज नॉट यूज इन स्टोव, सो पेट्रोल इज नॉट यूज इन स्टोव, जो स्टोव होता है उसमें पेट्रोल का यूज नहीं किया जाता है। सो वी यूज किरोसिन इन स्टोव, सो वी यूज केरोसिन इन स्टोव। चलिए फिर से एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि स्टोव में पेट्रोल का यूज हम लोग क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज पेट्रोल एक्सप्लोसिव ही नेचर होता है, पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, और जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो कैसा होता है, डेंजरस होता है। पेट्रोल कैन फायर वेरी इजली, जिसके कारण पेट्रोल में बहुत जल्दी आग लग जाता है। लाइट मैचस्टिक जब आप इसके बगल में लेकर जाओगे और बर्न कैसा करेगा, एक्सप्लोसिव की तरह, बॉम्ब की तरह आवाज कर जाएगा। सो पेट्रोल इज नॉट यूज इन स्टोव, सो बी यूज केरोसिन इन स्टोव। आ गया समझ में? ठीक है, इसको नोट कीजिए।
चलिए एक हम लोग प्यारा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपको अभी एक बनाना है पेपर का कटोरा। पेपर का आपको एक कटोरा बनाना है। कटोरा नहीं बना सकते तो पेपर को सिंपली आप उसको लपेट दीजिए, फोल्ड करके राउंड बना दीजिए। कैसा? पेपर मेरे पास अभी है ही नहीं, ठीक है। चलिए एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बड़ा ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक हम लोग कैंडल लिए, दो कैंडल लिए, एक नहीं दो लिए, और दोनों कैंडल को हम लोग जला दिए। दोनों कैंडल को हम लोग बंद करा दिए। उसके बाद कागज को फोल्ड करके राउंड बना दिए, कटोरा शेप का, कटोरा नहीं कोन से बना दीजिए, जैसे आइसक्रीम खाते हो ना आइसक्रीम शेप को, आइसक्रीम शेप जैसा कागज को फोल्ड करके बना दीजिए, ऐसा ऐसा, ठीक है। दो गो बनाइए, एगो नहीं दो गो बना दिए, ठीक है। उसके बाद एक में हम लोग ये वाला जो कप है इसमें हम लोग मान लेते हैं पानी डाल दिए, वाटर डाल दिए, ठीक है ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ नहीं डाले, इसमें हम लोग कुछ नहीं डाले, और इसको हम लोग कैंडल के ऊपर डाल दिए। पेपर कप, पेपर कप है। जब आप इसको डालोगे कैंडल के ऊपर दोनों को, इसमें पानी डाल के डालना है, इसको सीधे डाल देना है, तब क्या होगा बताइए, गेस कीजिए, जवाब दीजिए। ये तो समझ में आता है कि इसका पेपर जल जाएगा, ये तो समझ में आता है सबको, पेपर बर्न कर जाएगा, बर्न कर जाएगा। बट इसमें क्या होगा, इसमें तो पानी रखा हुआ है, बताइए बताइए बताइए, इसका भी पेपर जल जाएगा, जल जाएगा, आता है समझ में, पेपर बर्न कर जाएगा और पानी गिर जाएगा, आ रहा है समझ में। ये एक्सपेरिमेंट घर में करके देखिए, तो पहले घर में करके देखिएगा, ठीक है। जब आप पेपर में पानी रख के आप गर्म करोगे देन पेपर जलेगा नहीं और पानी गर्म भी हो जाता है। पेपर में पानी रख के आप गर्म करोगे देन पेपर नहीं जलता है और पानी भी गर्म हो जाएगा। थोड़ा मजबूत पेपर लीजिएगा, जो कॉपी का कवर होता है उसको लीजिएगा जनरली, नहीं तो वो पेपर तो सीधा गल जाएगा पेज लीजिएगा। तो कॉपी का कवर को फोल्ड करके बनाइए और उसमें पानी रख के आप गर्म कीजिए, पानी गर्म हो जाएगा बट पेपर नहीं जलेगा, ऐसा होता है। तो पेपर बर्न होगा नहीं होगा, आ गया समझ में। अब आता है क्वेश्चन, क्यों क्यों बताइए। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ध्यान से देखिए, ध्यान से इग्निशन टेम्परेचर का एक कॉन्सेप्ट लग गया, पहले आप गेस कीजिए आंसर क्या होगा, बताइए 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 बताइए, सोचिए 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 और समझिए। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच, लिखिए इसका आंसर, नहीं पता है तो। इन प्रेजेंस ऑफ पानी इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पानी इज नॉट लीच, ठीक है। जब वाटर इसमें प्रेजेंट रहेगा देन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज नॉट रीच, मतलब इस पानी को वो जो पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर को नहीं क्रॉस कर पाएगा। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पानी नहीं, पेपर बनाइए इसको, पेपर पापर, ठीक है। जो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर है
उसको वो रीच नहीं कर पाता है, मतलब पेपर को वो जला नहीं पाता है, सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं, हेंस पेपर नॉट बर्न, हेंस इट डजंट बर्न, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच, हेंस इट डजंट बर्न। आ गया समझ में। अब हम लोग बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक के ऊपर जो होता है इनफ्लेमेबल सबस्टांस। तो आपको पता होगा ऐसा सबस्टांस जिसमें आसानी से फायर कैच कर लेता है उसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सबस्टांस। ये मैं पहले भी आपको बताया था, इनफ्लेमेबल सबस्टांस, सॉरी क्लास सिक्स में मैं पढ़ाया था, आपको नहीं पढ़ाया था, ऐसे तो आप क्लास सिक्स पास ही होंगे, ये तो पता होना चाहिए। द सबस्टांसेस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, द सबस्टांसेस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसा सबस्टांस जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है उसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सबस्टांस, एंड कैन कैच फायर इजिली, एंड कैन कैच फायर इजिली। लो इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, जिसमें आसानी से आग पकड़ ले उसी को बोलते हैं लो इग्निशन टेम्परेचर। सीधा सीधा बात कीजिए, विथ ए फ्लेम आर कॉल्ड एज, विथ अ फ्लेम, फ्लेम भी निकलेगा उसमें से, आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल, 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 इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ओके राइट। द सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर इजिली विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जिसमें आसानी से आग पकड़ लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इसका एग्जाम्पल क्या है फटाफट बोलिए, चलिए कितने ऐसे लोग हैं जो अभी फटाफट बोले हैं, हाथ उठाए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बताइए इनफ्लेमेबल का, पेट्रोल, पेट्रोल, पेट्रोल को आप कहीं पर भी पेट्रोल को डाल दीजिए और उसमें आग लगाइए एक बार ब्लास्ट कर जाएगा, ऐसा घर में नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो लगेगा चप्पल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोल है और भी है जैसे अल्कोहल, जो अल्कोहल होता है जो आदमी पीता है वो वाला अल्कोहल उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, मतलब अल्कोहल का अमाउंट प्रेजेंट होता है इसमें, ये वाला जो ओरिजिनल अल्कोहल होता है उसमें तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है। उसके बाद एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंटेंट्स ऑफ मैचस्टिक, ये टॉपिक मस्त है, ठीक है, चलिए चलिए इसको नोट कीजिए अच्छे से। चलिए चलिए, तो अब सभी लोग हेडिंग लगाएंगे कंटेंट्स ऑफ मैचस्टिक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे मैं इसका छोटा सा क्लिप बनाकर डाल दूंगा अलग से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई लोग सीधा छोड़कर चले जाते हैं दो चार पाँच मिनट देखकर, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, पूरा पूरा देखिए, कोई बात नहीं है, आधा एक घंटा टाइम आपका,
ऐसे भी आप वेस्ट कर लेते हैं ऐसे बैठकर, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत फायदा करेगा, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगाइए, कंटेंट्स ऑफ मैचस्टिक। मैचस्टिक इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले एक हम लोग अइछा बनाते हैं, एक लकड़ी बनाते हैं। मान लीजिए ये लकड़ी है, बड़ा मोटा लकड़ी बन गया, थोड़ा इसको पतला बनाते हैं। चलिए पतला बना, और पतला करें, चलिए और पतला हो गया। और इसके ऊपर हम लोग मुंह पर रेड बनाते हैं, लाल कलर का, ठीक है। ये क्या है, फटाफट बोलिए, वुडन स्टिक। ये वुडन स्टिक है, लकड़ी का बना होगा। इसके लिए स्पेशल वुड का यूज किया जाता है, सुटेबल वुड का यूज किया जाता है, स्पेशल लकड़ी का यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी लकड़ी से बना देंगे, ठीक है। ऐसा लकड़ी का यूज किया जाता है जिसमें जो पूरा पूरा जल जाए। अब ऐसा नहीं कि आम का पेड़ काट कर उससे जला रहे हैं तो वो क्या होगा, वो अच्छे से जलवे नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसा लकड़ी का यूज किया जाता है जो अच्छे से जल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, हेड वाले पोर्शन पर इसका। चलिए इसका जो हेड होता है, इसमें हेड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। हेड कंटेनिंग एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। इसके हेड में एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। और इसके हेड में पोटेशियम क्लोरेट पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, एंड पोटेशियम क्लोरेट पाया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आता है सभी को। उसके बाद हम लोग अब बनाते हैं वो जो कहाँ गया, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसको हम लोग काट के यहाँ पर बनाते हैं, ये वाला। इसमें ऐसे ऐसे डॉट बनाता है, डॉट ऐसे एक लाइन से बना होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से अरेंज होता है। ऐसे मैं बना दिया रैंडम, ठीक है। डॉट होता है ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे डॉट बना होता है, बना लीजिएगा अगर बनाना है तो बढ़िया से, ठीक है। चलिए डॉट बन गया। ये वाला जो सरफेस होता है इसको हम बोलते हैं रबिंग सरफेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रबिंग सरफेस बोला जाता है, ठीक है। ये जो रबिंग सरफेस होता है इसमें ग्लास पाया जाता है, ग्लास पाउडर। रबिंग सरफेस में क्या क्या कंटेंट्स होता है, कंटेनिंग ग्लास पाउडर। इसमें ग्लास पाउडर पाया जाता है, और भी केमिकल पाया जाता है, जैसे रेड फॉस्फोरस पाया जाता है। कौन सा केमिकल, रेड फॉस्फोरस पाया जाता है। रेड फॉस्फोरस का ऐसे अमाउंट बहुत कम होता है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिटिल अमाउंट में होता है कम अमाउंट में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, पहले इसको फिर से पढ़िए। ये जो ये देख रहे हो आप, ऊपर वाला जो रेड कलर का दिख रहा है इसको पढ़िए, वुडन स्टिक है। ये वाला जो स्टिक है वुडन स्टिक है, सूटेबल वुड है, एक स्पेशल वुड से बना होता है। हेड में क्या पाया जाता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, मतलब ये जो रेड वाला पोर्शन है इसमें क्या पाया जा रहा है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। और क्या पाया जाता है, पोटेशियम क्लोरेट। फिर ये जो रबिंग वाला पोर्शन है, रबिंग सरफेस है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, ग्लास पाउडर और रेड फॉस्फोरस। नाइस, आ गया इतना समझ में सभी को।
ठीक है। उसके बाद ये जो मैचस्टिक है, जो तिल्ली है माचिस का, इसको ऐसे हम लोग ऊपर ऐसे मारेंगे, इसके ऊपर ऐसे फ्रिक्शन करेंगे, ठीक है। तब क्या होगा, तब क्या होगा बताइए। जो मैचस्टिक का हेड है, हेड मैचस्टिक का है, जो माचिस का तिल्ली का हेड है, उसको हम लोग रब कर दिए, रब्ड किए, मतलब इस पर हम लोग ऐसे माचिस का तिल्ली बार दिए, ठीक है। तब क्या होगा, जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। जो कुछ रेड फॉस्फोरस का कुछ अमाउंट सम रेड फॉस्फोरस, कुछ रेड फॉस्फोरस का अमाउंट वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट्स वाइट फॉस्फोरस, आ गया समझ में, फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो वाइट फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस, फिर से मैं रिवीजन करवाऊंगा इसका, टेंशन नहीं लेने का। जो वाइट फॉस्फोरस है, वाइट फॉस्फोरस ये रिएक्ट करता है आर ओ यू एस होता है कि आर यू एस, जो होता है आर यू एस थी लिखिए, इसको अगर गड़बड़ हो गया स्पेलिंग तो सही कर लीजिएगा। जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड से। जो वाइट फॉस्फोरस है, ये वाला रेड फॉस्फोरस वाइट में चेंज हुआ, वाइट में कन्वर्ट हुआ जब हम लोग मैस्टिक रब किए तब, और वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट क्या चीज से करता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड से, क्या चीज से करता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड से, ट्राइसल्फाइड से। उसके बाद क्या होता है, बर्न करने लगता है। तो यही पूरा प्रोसेस है कंटेंट ऑफ मैचस्टिक, ये क्या मैं बोल दिया, कंटेंट्स ऑफ मैचस्टिक, ठीक है। चलिए एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लूँ फॉस्फोरस का, नहीं तो सब कमेंट में लिख लिख कर। कहाँ गया फॉस्फोरस, सही है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, कंटेंट्स ऑफ मैचस्टिक, जो मैचस्टिक है इसका क्या कंटेंट होता है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मैचस्टिक में एक वुडन स्टिक होता है, ये वुडन स्टिक सूटेबल वुड का बना होता है, किसी भी लकड़ी का नहीं बना होता, स्पेशल टाइप के लकड़ी का बना होता है। उसके हेड पर जो रेड वाला पोर्शन होता है, उसके हेड पर उस पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड लगा होता है और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है, ठीक है। उसके हेड पर क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो उसका रबिंग सरफेस होता है, कहाँ गया मैचस्टिक, ये वाला जो सरफेस है इसका रबिंग सरफेस, उसमें ग्लास पाउडर पाया जाता है। ये जो आपको ऐसा ऐसा दिख रहा है वो ग्लास पाउडर उसमें प्रेजेंट होता है, और रेड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, रेड फॉस्फोरस कम अमाउंट में होता है, लिटिल अमाउंट में। फिर जो हेड होता है, जैसे हम हेड मैचस्टिक का ऐसे हेड मैचस्टिक का रब किए, जैसे इसको हम रब किए, उस बार क्या होगा, जो रेड फॉस्फोरस था, ये वाला जो रेड फॉस्फोरस है, जो रेड फॉस्फोरस वो वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड फॉस्फोरस वाइट फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाइट फॉस्फोरस फिर रिएक्ट करेगा एंटीमनी ट्राइसल्फाइड से और वो जलने लगेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, और इसका जो आगे वाला पोर्शन है ये आपको क्लास 11th में पढ़नी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहीं पर आपका ये लेक्चर समाप्त होता है।
और अगले लेक्चर में हम लोग फ्लेम के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बाय।